हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई अपडेट के साथ। अपडेट से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की एक्टिवा इलेक्ट्रिक के बारे में। जी हाँ, जो है फाइनली कंफर्म हो चुकी है कब आने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाले, क्या प्राइस रहने वाली है और कब तक आएगी, सभी के बारे में इस वीडियो में हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपको थोड़ा सा जो है जो कि होंडा की एक्टिवा आती है आईस इंजन में, ऑलमोस्ट उसके जो है सिमिलरी आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि होंडा एक्टिवा आईस इंजन जो है कम्यूटर सेगमेंट की आपको एक स्कूटी देखने को मिलती है, सेम ही जो है होंडा की इलेक्ट्रिक एक्टिवा आने वाली है वो भी एक कम्यूटर सेगमेंट की ही इलेक्ट्रिक स्कूटर रहने वाली है। ये एक स्पोर्ट सेगमेंट की नहीं रहने वाली, डेली यूज़ के लिए जो लोग यूज़ करना चाहते हैं ये जो है उनके लिए ही है। स्पोर्ट्स के हिसाब से ये नहीं है उतनी, ना तो इसमें पावर है और ना कुछ इसके अंदर फीचर्स देने वाली है कंपनी उस हिसाब से। तो बात करें आपको क्या क्या इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है बेसिक 3 राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं, कुछ जो है कनेक्टिंग फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और आपको जो है टच स्क्रीन इसके अंदर नहीं देखने को मिलने वाली। आपको मैन्युअली जो है हैंडल के पास जो स्विचेस रहते हैं उन्हें उनसे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जो है होंडा अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो टेक से रिलेटेड जो फीचर होंगे वो काफ़ी कम देने वाला है। रीज़न ये रहने वाला है क्योंकि एक कम्यूटर सेगमेंट की जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी होने वाली है, जिससे कि आम लोगों को ये टारगेट करना चाहते हैं और जो है आम लोग ज़्यादातर लोग इन सब फीचर का यूज़ नहीं करते, उन्हें जो बेसिक नेसेसरी फ़ीचर चाहिए उन्हीं से ही मतलब है और वो उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। तो होंडा उसी हिसाब से जो है अपने स्कूटर में जो है फीचर्स देने वाले हैं और जो बेसिक फ़ीचर जो डे टू डे लाइफ में काम में आने वाले हैं वही फ़ीचर जो है होंडा इसके अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अंदर नहीं मिलने वाले हैं। बात करें ऑल LED सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है और जो है फ्रंट के अंदर आपको डिस्क मिलने वाला है, रियर के अंदर आपको जो है वो कंफर्म है कि हब माउंटेड मोटर ही मिलेगा। अगर आखिरी टाइम पे कंपनी चेंज करती है तो बात अलग है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है होंडा जो है बाहर की कंट्रीज़ में जो है सेल कर रहा है तो उस हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन निकल के आ रहे हैं। मोटर की बात करें तो ऑलमोस्ट अब से 2 से 3 किलोवाट आवर की जो आपको इसके अंदर मोटर देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको डिसेंट पावर देने वाली है। 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की आपको इसके अंदर टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है 2 बैटरी ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, लीक्स के थ्रू पता चला है कि इसके अंदर जो है 2 बैटरी ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, एक है फिक्स बैटरी और एक है रिमूवेबल बैटरी, दोनों ही आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। कस्टमर जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कर सकता है। बात करें इसकी लॉन्च और प्राइस की, तो प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस होने वाली है 1 लाख से 1 लाख 20 हज़ार रुपये के बीच में। ये कंफर्म हुआ है क्योंकि ये होंडा के कुछ जो है ऑफिशियल्स ने किसी इंटरव्यू में जो है ये रिवील की। बात करें लॉन्च डेट की तो ये जो है 27 नवंबर को ऑफिशियली जो है ये लॉन्च होने वाली है। जी हाँ, 27 नवंबर को यह लॉन्च हो जाएगी और लॉन्च के साथ ही जो है इसके सारे स्पेसिफिकेशन जो है कंपनी रिवील करने वाली है। जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन है जो अब तक लीक के थ्रू पता चल रहा था वो जो है एग्जैक्ट हमें कन्फर्म हो जाएंगे जैसे ही जो है कंपनी लॉन्च करती है उसी के हिसाब से जो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।